नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरने के लिए तमाम चक्रव्यूह तैयार किए हैं। उनमें से एक है ओबीसी का चक्रव्यूह, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर कोसा है। वैसे चुनावी माहौल है और राजनीति जोरों पर है, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक देना नहीं चाहती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी तमाम पार्टियां इस मुद्दे को उठा चुकी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, लेकिन आज ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव एक के बाद एक बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि भाजपा सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ओबीसी समाज की गणना की मांग को ठुकराकर साबित कर दिया कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग को गिनना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती है। धनबल के समर्थक भाजपा शुरू से ही सामाजिक न्याय की विरोधी है। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी सरकार गाय, गंगा और गड्ढे के मामले में फेल है। प्रदेश में अगले साल कई अन्य राज्यों के साथ फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम लोगों की बीजेपी से काफी नाराजगी और इस वजह से सपा को 400 सीटें मिलने जा रही हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया है। अखिलेश इस नारे के साथ मुलायम सिंह यादव के MY यानी कि मुस्लिम यादव इस समीकरण की परिभाषा भी बदल दी जा रही है। गौरतलब है कि जातीय जनगणना पर उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियों का रुख सरकार के विपक्ष में रहा ही है। इसमें बसपा के बाद अब सपा भी शामिल हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के भीतर से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग जोर पकड़ रही है। यहां तक कि सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA के सहयोगी दल भी इसकी मांग कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि अन्य पिछड़ी जातियों की आबादी का दायरा कितना बड़ा है और आरक्षण की 50% की सीमा टूट सकती है। जाति आधारित जनगणना और आरक्षण की 50% सीमा तोड़ने की मांग को लगातार राजनीति का तीसरा अवतार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मंडल राजनीति का ये तीसरा अवतार दस्तक देने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 1990 के दशक में मंडल कमीशन लागू होने के बाद जिन क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, वे इन मांगों को मजबूती के साथ उठा रही है। पिछले कुछ चुनावों में, खासकर के उत्तर प्रदेश और बिहार में, इन क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सफल चुनावी अभियानों को देखा है। ओबीसी में प्रभुत्व वाली जातियों के बदले जिनका प्रभुत्व नहीं रहा उन्हें तवज्जो देना, ऊंची जातियों और OBC-SC में गैर प्रभुत्व वाली जातियों का एक शक्तिशाली गठबंधन बनाना बीजेपी की अहम चुनावी रणनीति रही है, राजनीति भी रही है। टिकट बांटने, मंत्री बनाने और कुछ विधायी हस्तक्षेप को देखें तो लगता है कि बीजेपी ने मंडल राजनीति के नए वर्जन को मैनेज किया है बखूबी। बीजेपी ने इस प्रबंधन में हिंदुत्व की राजनीति को भी साथ रखा है। दरअसल 2011 की जनगणना में जाति आधारित सामाजिक आर्थिक स्थिति के ब्यौरे को मोदी सरकार ने जारी नहीं किया था। इसके अलावा ओबीसी के भीतर नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लेकर कम प्रभुत्व वाली जातियों की स्थिति देखने के लिए बनाई गई और इसी को लेकर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में भी नहीं आई, जबकि 2017 में इस कमीशन को बनाने के बाद से 11 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है। क्षेत्रीय पार्टियों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि बीजेपी ओबीसी की सही तादाद बताए और उसके बाद आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाए। अगर बीजेपी इसे नहीं मानती है तो इनके लिए ये कहने में आसानी होगी कि बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के साथ धोखा कर रही और ऐसा हो रहा है, जबकि उन्हें ही वोट में सत्ता में पहुंचाने का काम ओबीसी करता है। इसके अलावा मंडलवादी पार्टियां सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए जो 10% आरक्षण दिया गया है उसमें उपवर्गीकरण की ओर इशारा कर रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियों ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी ने ओबीसी को लेकर जो कदम उठाए उसे ऊंची जातियों को अपने पक्ष में रखने के लिए संतुलित किया गया है। बीजेपी में बड़ी संख्या में ओबीसी सांसद हैं, लेकिन ऊंची जातियों की भावना की उपेक्षा नहीं की गई, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां इनका वोट करीब 18-20% है। ये मुद्दा क्यों उठा और आज एक बार फिर से इस पर चर्चा क्यों हो रही है
और अगले एक घंटा इस पे चर्चा हम क्यों करेंगे वो भी आपको जानकारी हम दे दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति गणना प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन और जटिल है। महाराष्ट्र राज्य की याचिका का दबाव देते हुए केंद्र ने ये बात कही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तमाम मेहमान। अनीता अग्रवाल जी प्रवक्ता हैं बीजेपी से, मोहम्मद अब्बास पूर्व राज्य मंत्री हैं सपा से, और हम्माम वहीद प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, जय दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का न्यूज वर्ल्ड इंडिया में सबसे पहले बहुत स्वागत है। अनीता जी, सबसे पहला सवाल आपका, क्योंकि आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये मांग उठाई है कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस जनगणना को लेकर लगातार पहले भी पार्टियां सवाल उठाती आई हैं और आज भी सवाल उठा रही हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ओबीसी का साथ बीजेपी कभी नहीं देती है और ना ही ओबीसी की जनगणना करवाना चाहती है, लेकिन वोट लेने के लिए लगातार वो आगे आ जाती है। आपकी क्या टिप्पणी है इसके पहले? देखिए काजल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक चीज समझ में नहीं आती, जब हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, सब पर विश्वास की बात करते हैं, तो ये लोग जाति की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति क्यों करते हैं? हमारे ये नहीं समझ आता है, ये देश सबका है, हम सबके हैं, हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम हम लेकर चलते हैं, और देश में हम ये आज जाति के आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि जनगणना भी करिए जाति के आधार। आखिर ये जात में क्यों बांटना चाहते हैं लोगों को? अरे आप कम से कम आज हम जो योजनाएं ला रहे हैं वो जाति को देख के तो नहीं ला रहे ना, किस जाति को देंगे उस जाति को देंगे। इन्होंने असल में जब ये मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले इन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों का अधिकार है, ये हमेशा कभी मुस्लिम लड़कियों कहते हैं, कभी बैकवर्ड के लिए कहते हैं, कभी आज ये कह रहे हैं कि हम परशुराम की लगाएंगे मूर्ति लगाएंगे, कभी कह रहे हैं हम मथुरा के वासी हैं, हम कृष्ण जी को अपना मानते हैं। तो ये असल में अब इनको कुछ समझ तो आ नहीं रहा कि क्या करें, कैसे जनता के पास जाए, कैसे उनसे वोट ले। कुछ किया तो इन्होंने है नहीं, कोरोना काल में भी इन्होंने कुछ नहीं किया, हमेशा हो हल्ला किया है, और इनकी स्थिति सबको जनता के सामने। आज ये जात पात से बांट कर ये अपना किसी तरीके से अपने आप को लाना चाहते हैं कि हम जाति के आधार पे ले आए, या वो गुमराह करना चाहते हैं जनता को। लेकिन जनता समझदार है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत अच्छे से, जब इनको दिया था पूर्ण बहुमत दिया था और हम लोग को भी दिया तो पूर्ण बहुमत दिया है। आगे भी जनता जो कार्य कर रहा है, जब नीचे स्तर तक काम कर रहा है, वो जो जात पात नहीं देख रहा है और जो आज सांप्रदायिकता नहीं देख रहा है, तुष्टिकरण नहीं देख रहा है, जनता उसी के साथ खड़ी है। क्योंकि देश का उद्देश्य हमारा बढ़ना चाहिए, देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम उसको जात पात में बांट कर आपस में उलझा दे, ये काम नहीं होना चाहिए। हम देश के लिए, देश हमारे लिए, सरकार सबके लिए है, और सरकार जो पार्टियां भी वो भी सबके लिए होनी चाहिए, किसी एक जात को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास सब पर विश्वास। चलिए ठीक है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक है। मोहम्मद अब्बास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राज्य मंत्री सपा से हैं। आप ये बताइए कि अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, आज एक बार फिर से उन्होंने आवाज उठाई है। इससे पहले तमाम पार्टियां भी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर तमाम पार्टियां हो, तमाम राजनीतिक दल हो, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ों के लिए जाति का जनगणना करने की मांग की है। मैं आपको बता दूं, समाजवादियों का बहुत पुराना नारा है, राम मनोहर लोहिया जी के वक्त से, सर सो पाने पानी आठ पिछला पावे सो में साठ, आज का नारा नहीं है, ये देश जब सबका है सबका विकास है, देश के 80% संसाधनों पर 15% लोगों का जो कब्जा है, वो कैसे है? कहाँ है सबका साथ सबका विकास? आप हिस्सा दीजिए, लॉलीपॉप ना पकड़ाइए, झूठ ना बोलिए। 80% लोग 15% लोगों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। आइए हमाम वही जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। हमाम जी, लगातार कांग्रेस भी इसको लेकर आवाज उठाती आई है और उन्होंने मान लिया है कि ओबीसी के लिए
बीजेपी कुछ करना नहीं चाहती है, सिर्फ एक वोट बैंक है, क्या ये सही है? हमाम जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमाम जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज इको हो रही है। जय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जय जी, आप इस पूरे मसले को अगर गौर से देखें तो किस तरह से तमाम चीजें हम समझ सकते हैं? आपकी आवाज़ बताइए, हम डिबेट में बैठे हैं, बताइए। तो ओबीसी की जातीय जनगणना का ये पूरा मामला है। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया, ट्वीट के बाद एक बार फिर से ये मुद्दा जो है उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2017 में इस कमीशन को बनाने के बाद से 11 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। इसके बाद से ही ये मुद्दा जो है लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये मुद्दा क्यों आज उठा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति गणना प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन और जटिल है। महाराष्ट्र राज्य की याचिका का जवाब देते हुए केंद्र ने ये बात कही। जाति जनगणना की बढ़ती मांग को लेकर सत्ताधारी बीजेपी अब तक चुप बैठी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में कहा कि आजादी के पहले भी जब जातियों की गिनती हुई तो डाटा की संपूर्णता और सत्यता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। केंद्र ने यह भी कहा है कि 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के डेटा में तमाम तरह की तकनीकी खामियां हैं और ये किसी भी तरह से इस्तेमाल के लिए अनुपयोगी है। 2011 की जनगणना में जाति आधारित सामाजिक आर्थिक स्थिति के ब्यौरे को मोदी सरकार ने जारी नहीं किया था। इसके अलावा ओबीसी के भीतर नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लेकर कम प्रभुत्व वाली जाति की स्थिति देखने के लिए बनाई गई जी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आई है, जबकि 2017 में इस कमीशन को बनाने के बाद से 11 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है। अनीता जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? अनीता जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो 2017 में इस कमीशन को बनाने के बाद से 11 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है, लेकिन अब भी इसे पूरी तरीके से सामने नहीं रखा जा रहा। क्षेत्रीय पार्टियों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि बीजेपी ओबीसी की सही तादाद बताए और उसके बाद आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाए। बीजेपी इसे नहीं मानेगी तो इसके लिए ये कहना आसान होगा, इसके लिए आसानी होगी कि बीजेपी अन्य पिछड़ी जातियों के साथ धोखा कर रही है, जबकि उन्हें ही वोट में सत्ता में पहुंचाया था। दरअसल अन्य विपक्षी दलों की मांग ये कहना है कि इसको पूरा किया जाना चाहिए, और अगर बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है जैसा कि हुआ अभी, तो अब विपक्ष का ये कहना है कि जो ओबीसी जातियां हैं उन्होंने ही लगातार उन्हें वोट देकर सत्ता में पहुंचाया, लेकिन केंद्र सरकार उनके साथ धोखा कर रही है, यानी कि बीजेपी उनके साथ लगातार धोखा कर रही है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने अदालत में अपने हलफनामे में कहा कि पहले भी इस मुद्दे को देखा गया, उस दौरान भी यही लगा कि पिछड़े वर्गों की जातीय गिनती प्रशासनिक रूप से बहुत जटिल और कठिन है, इसके डाटा की संपूर्णता और सत्यता में काफी दिक्कतें हैं। 2011 के सोशियो इकोनॉमी कास्ट सेंस की नाकामी इसका सबूत है। अपनी खामियों के कारण यह हमारे लिए अनुपयोगी है और हम किसी भी काम में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। केंद्र का कहना है कि जातिवार जनगणना की नीति 1951 में छोड़ दी गई थी, तब कहा गया था कि आधिकारिक नीति जातियों को प्रोत्साहित करना नहीं है। 2021 के जनगणना में जातियों के डेटा संग्रह जुटाने पर केंद्र ने कहा कि इसके लिए जनगणना कोई आदर्श जरिया नहीं है। जातियों की गिनती से जनगणना की बुनियादी समग्रता भी गंभीर खतरे में पड़ सकती है, इससे आबादी की मौलिक गिनती भी प्रभावित होगी। केंद्र ने कहा है कि 2021 की जनगणना में जातियों की गिनती शामिल करने की मांग मुश्किल है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। जनगणना की तैयारी 4 साल पहले ही शुरू हो जाती है। 2021 की जनगणना के चरण निर्धारित किए जा चुके हैं, इसकी तैयारी पहले ही की जा चुकी है। जनगणना के सवाल पर अगस्त सितंबर 2019 में ही फाइनल किए जा चुके थे, यानी ये तैयारियां 4 से 5 साल पहले की जाती हैं, लेकिन जब 10 साल पूरे हुए तो अब केंद्र सरकार के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। अपना पल्ला झाड़ती हुई केंद्र सरकार नजर आ रही है, वहीं इसका फायदा विपक्ष उठाते हुए नजर आ रहा है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में इस मुद्दे को भी लगातार
आगे बढ़ाया जा रहा है। तो तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनीता जी, ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, आरोप आप पर ये लग रहा है कि आप सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहे हैं इसे। अनीता जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मोहम्मद अब्बास हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अब्बास, लगातार ये आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पर कि बीजेपी सरकार ओबीसी के साथ धोखा कर रही है, जबकि सत्ता में ओबीसी ही लेकर आया है बीजेपी को। पिछड़ों ने ठान लिया है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पिछड़े वर्ग के तमाम नेता प्रधानमंत्री जी से मिले और पिछड़ों ने यह आह्वान किया है कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी को बहिष्कार किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं दिया जाएगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। 15% लोग, यानी सीधे सीधे सपा को फायदा, लोगों के संसाधनों पर कब्जा। अब्बास, यानी सीधे सीधे सपा को फायदा। फायदे की, नुकसान की बात नहीं। समाजवादी पार्टी का आज से नारा नहीं है, राम मनोहर लोहिया का सुशील जब भी नारा लगाते थे, सरसोपाने बांधी घाट पिछड़ा पावे सौम्य साठ, समाजवादियों का आज का नारा नहीं है, बहुत पुराना नारा है। नेहरू जी के सामने भी यही नारा लगता था, सरसोपाने घाटी बांधी घाट पिछड़ा पावे सौम्य साठ। तो नेता है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कमंडल से मंडल से डरी हुई है और कमंडल के बल पे आई है, वो मंडल का मूर्ख बनाने के लिए मात्र कुछ मंत्री बना देती है। नई हवा है, नई सपा है, क्या है नई हवा, नई सपा, क्या मुझे समझा सकते हैं आप अब्बास जी? नई हवा का मतलब है कि जो परिवेश हवा में जहर घोल दिया था केंद्र की और पटेल सरकारों में, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने एक नई हवा जिसमें पिछड़ा, दलित, किसान, नौजवान, व्यापति इसको साथ लेके चलेंगे और ऐसी हवा चलेगी कि भारतीय जनता पार्टी का दूषित प्रदूषण जिसमें एक वर्ग विशेष 15% लोग, जिसमें धनाढ्य सेठ और जिसमें एक वर्ग विशेष के लोग ही शामिल हैं, 15% लोगों ने पूरे देश के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। और नई हवा में, नई सभा में नौजवान है, किसान है, दलित है, पिछड़ा है, मजदूर है, मल्ला है, बिंद है, कश्यप है, निषाद है, मुस्लिम है, सब मिलकर नई हवा और नई सपा को जब लेके आगे चलेंगे तो देश प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा, पिछड़ों को न्याय मिलेगा, किसानों को न्याय मिलेगा। यही नई सपा है अखिलेश यादव जी की और इसकी नई हवा है। चलिए ठीक है, जय जी भी हमारे साथ बने हुए। जय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। जय जी, ये जो पूरा मामला जो निकलकर सामने आ रहा है जातीय जनगणना का, एक बार फिर से इसका मुद्दा उठ रहा है, हालांकि पिछले 1.5 महीने से मुद्दा चल रहा है लेकिन एक बार फिर से आज उठा है क्योंकि अखिलेश जी ने ट्वीट किया है। देखिए, बताया जा रहा है कि जनगणना की तैयारी जो है वो 4 साल पहले शुरू की जाती है। 2021 में जनगणना होनी थी और जाति आधारित जनगणना जिसको मूल बताया जा रहा है, तो ऐसे में पहले से ही तैयारियां क्यों शुरू नहीं की गई है? क्योंकि केंद्र सरकार ने हवाला दिया है कि अगर समय रहता तो फिर इसके आधार पर जनगणना हो सकती थी। काजोल जी, हमें थोड़े से लोकतांत्रिक, चूंकि हम एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो हमें थोड़ी सी लोकतांत्रिक परिवेश पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब जब 1 जनवरी 1989 को मंडल आयोग लागू हुआ था तो वहां पे भी 3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी मोर्चा का, ओबीसी का गठन हुआ था और 1980 में ये लागू किया गया। 1980 से लेके आज तक जातिगत गणना सिर्फ एक बार हुई, जो 31 साल पहले हुई थी, 1931 में जातिगत गणना की गई। लेकिन आज एक सामने उत्तर प्रदेश चुनाव खड़ा है और आप ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराइए। हर एक गणना का एक स्ट्रक्चर होता है, सरकार को उस पे काम करना पड़ता है और मिनिमम 5 साल से 4 साल पहले से जनगणना स्टार्ट की जाती है। आज ही ये मुद्दा क्यों लेके आया गया? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक है और जातिगत जो जनगणना है उसको डाल के
फिर से चुनाव को कहीं ना कहीं जातिगत बनाने के पीछे एक भ्रमित करने की एक कोशिश हो रही है। पहली चीज, आज के देश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा है कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते जी, जो कि आप ऑलरेडी चाहे एजुकेशन हो, चाहे सामाजिक समरसता हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो, सरकार उसको 25% 22.5% और 10% के इसमें 7.5% में करके उसको, सॉरी 25% ओबीसी को, 15% एससी को, एससी को 6% और 4% मुस्लिम को, 50% जनसंख्या में आरक्षण तो आप ऑलरेडी दे रहे हैं। तो आप आज ओबीसी का एक नई जातिगत आरक्षण और नई जातिगत जनगणना को डाल के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को, मुझे समझ से, मेरे समझ से परे है। ये मैसेज देना चाहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसे उतना हिस्सा मिलना चाहिए। मैसेज क्या होता है, 15% लोगों ने 85% लोगों के हकों को दबा रखा है। अपना हक मांगे तो आपको अजीब लगता है, आपको अजीब लगता है 85% लोगों का हक दबा के लोग बैठे हैं, उन्हें अजीब लगता है, उनका दीजिए। ये संविधान कहता है सबका साथ यही तो होगा, सबका विकास जब भी तो होगा जब सबका हक मिलेगा। जब 15% लोगों ने कब्जा किया सारे संसाधन अपने पूरे देश में भी विकास होगा, ऐसे कहने से तो भी होगा। आप देखिए, आप ऊंची आवाज में बोल के मेरी आवाज को दबाने की कोशिश मत करिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संविधान जब लागू किया गया तो कितने साल के लिए आरक्षण लागू था? 10 साल के लिए। आरक्षण लागू कितने साल के लिए था? 10 साल। 11 बार आप अमेंडमेंट करा चुके हैं, 11 बार आप अमेंडमेंट करा चुके हैं। आप अभी जो है आरक्षण को खत्म करके ये वित्तीय आधार पर आरक्षण लागू करने की पहल क्यों नहीं करते हैं? वित्तीय आप क्यों हर देश में जिसकी जितनी जनगणना सबको आरक्षण दीजिए, बात खत्म हो गई। कौन हो गए 100 लोगों बात दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? क्या उन्हीं वर्ग के लोगों को जो सत्या अच्छे हो उन्हें दीजिए, अगर योग्यता में दीजिए लेकिन दीजिए उन्हीं वर्ग के लोगों को, ये समझिए। चलो ठीक है, अब्बास जी छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल है कि अभी क्यों ये याद आ रहा है, ओबीसी की फिक्र इतनी क्यों अभी हो रही है? जी के समय से नारा लगाती है, सरसों पाने बांधी का पिछला पक्ष में था, समाजवादियों का ये नारा बहुत पुराना है, आज का नहीं है। समाजवादियों में हमेशा पिछड़ों का, हमेशा सिंह यादव जी के नेतृत्व में ही मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह धरने प्रदर्शन किए। पिछड़ों की बात है, खाली अखिलेश की बात है। 85% लोगों को पर कब्जा जमाने के लोग परेशान तो होंगे। आप जब 2012 में चुनाव में आए थे, हिस्सा दीजिए, हिस्सेदारी दीजिए, जब तक सबको नहीं हो सकती नहीं मिलेगा। का मतलब ये है कि आरक्षण को मजाक है, मजाक जब तक जातिगत मजाक नहीं होगी मजाक आपको दिया है। जब आपको ये समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव समाजवादी पार्टी या अन्य और पार्टियां जो जाति आधारित राजनीति, उत्तर प्रदेश के चुनाव की नहीं है, चलिए ठीक है ठीक है। हमाम जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमाम जी भी लगातार बने हुए हैं, बिल्कुल चुप बैठे हैं बहुत देर से, और कांग्रेस ने 70 सालों राज किया है देश पे, तो उनसे भी सवाल करना बनता है। हमाम जी आप ये समझाइए कि ये जो जातीय जनगणना है वो क्यों इतनी जरूरी हो गई है 2021 में? हमाम जी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही। हमाम जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
मुस्लिम यादवों की राजनीति करने वाले आज ओबीसी की बात करेंगे तो यही होगा। आम जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। जय जी, आप ये बताइए कि कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो या फिर कोई भी राजनीतिक दल हो, देखिए जातीय जनगणना जो है वो तो कितने सालों से लगातार कोशिश की जा रही है, जैसे कि अभी आपने बताया कि 11 बार सेमिनेशन हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अचानक 2021 में याद जाती है कि जातीय जनगणना होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ओबीसी जो है उनकी जनगणना बेहद जरूरी है। आखिर क्या सिर्फ ओबीसी के वोट यहाँ पाना चाहती है राजनीतिक दल या फिर तमाम और लोगों पर भी ध्यान दिया जा रहा है? क्या स्थानीय मुद्दे जरूरी नहीं है या जातीय जनगणना ज्यादा जरूरी है? मैं मुझे दो मिनट दे दें प्लीज, मुझे दो मिनट मेरी अपनी बात रखने का समय दे दें, उसके बाद आप अब्बास जी को बोलिए प्लीज। आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति, चूंकि चुनाव सामने है काजोल जी, हाँ जी, और मुझे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज जब चुनाव सामने है, आपको पता है कि हम फरवरी में चुनाव है, तो आप जातिगत समीकरण लेके आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आपको भी पता है कि ये जनगणना चुनाव से पहले नहीं हो सकती। तो आप जिस जनगणना को सार्वजनिक करने की याचिका के ऊपर अपना ट्वीट करते हैं उसमें बहुत बड़े लोचे हैं, उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, जिसको लेके 2017 में ही कर दिया था कि इसके इसके अनुसार हम जातिगत जनगणना की घोषणा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इनको अपना समीकरण जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसमें सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रही है, इन्होंने इनके पास कोई जनगणना आंकड़ा नहीं है। 2012 से 17 में जब सपा चुनाव में आई थी तो मुस्लिम यादव का समीकरण लेके आई थी, आज उनका ग्राउंड फेल होते नजर आ रहा है तो ओबीसी का राग आने लगी है, कल इनके पास ओबीसी का कोई नहीं था, ओबीसी के लिए इनके पास कोई विजन नहीं था, आज जब इनका चुनावी धरती हिलने लगी है, इनका समीकरण समझ नहीं हो रहा है तो फिर ये जाति पे चुनाव लड़ने की कोशिश करने लगे हैं। आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप जाति पे आके चुनाव को क्यों आधारित करना चाहते हैं हर बार? आप विकास की बात नहीं करते, आप कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, कुछ दिन के बाद आप कहेंगे कि मुस्लिम उत्तर प्रदेश में 20% हो गया तो 20% आरक्षण दे दीजिए, उसके बाद आप कहेंगे कि आज के डेट में 40% जय जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। विशेष का विकास तो अन्य पिछड़ा वर्ग को गिनना नहीं चाहती बीजेपी, अखिलेश यादव लगातार ये ट्वीट करते हुए नजर आए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में बवाल छिड़ गया है, इसको लेकर लगातार राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जब इस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, सरकार भी लगातार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देती हुई नजर आ रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम जो सवाल रखे गए थे उसका भी जवाब यहां पर केंद्र सरकार ने दिया है। दरअसल सपा का ये कहना है कि बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है प्रदेश में तब से ही हर किसी का शोषण हो रहा है, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, हर किसी का शोषण हो रहा है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अब जनता चाहती है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आए और फिर चहुंमुखी विकास यहां पर हो सके। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी को अपराध बढ़े, अपराधी बढ़े, क्योंकि अपराधों को संरक्षण देने वाली, खुला प्लाट हमारा, खुली दुकान हमारी, बंद दुकान आपकी, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे करना और अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों को मंत्री बनाना, कितने अपराध
पलायन होना, दंगे होना, आप प्रदेश में 4.5 साल से कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लंबी फहरिस्त वाले अपने मुकदमे खुद मुंडा खुलवाइए, मेरा मुंडा खुलवाइए बहन जी, कितने मंत्री भारतीय जनता पार्टी में सबसे पता है, आप ये बताइए मेरा मुंडा खुलवाइए, 32 मुकदमे लगवाकर 32 मुख्यमंत्री जी पे 32 मुकदमे खुली दुकान हमारी बंद दुकान आपकी, हल्ला बोल सुबह से लेकर सीओ को जीप में बैठा के घुमाना, सीओ को जीप में बैठा के घुमाना, कितना नहीं तो अब्बास जी यही कह रहे हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, ऐसा क्या आपको पता है जो आप बोल देंगे तो फिर ऐसा कुछ तूफान सा या कुछ सुनामी आ जाएगा, कुछ चीजें मर्यादा में रखनी चाहिए, तो मर्यादा में रहकर शालीनता से बोल दीजिए ना, अगर लोगों से जुड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी में है सब जानते हैं, अगर जनता से जुड़ा मुद्दा है तो शालीन तरीके से रखिए ना, सब जानते हैं कि अपराधी के अपने किसके पास है, अपराधी को सेक्शन कौन देता है, सब जानते हैं, प्रकारों की श्रृंखला जानती है, सब जानते हैं, मुंडा खुलवाइए, कौन बढ़ाता है आगे, ये किसी को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अतीक अहमद किसके पास है, जो आजम खान किसके पास है, भारतीय जनता पार्टी मान के कैसे साफ सुथरा बन जाए, आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा, जनता का विकास कौन करेगा, फिर महान शिक्षाविद है, जनता का विकास प्रदेश का विकास की जिम्मेदारी किसकी है, साधु संतों ने तो सबके साथ ही विकास करते हैं, ये जात पात है गुमराह करने की बात करते हैं, जात राजनीति को बांटने की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी की सरकार पता है कि सारी जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी की सरकार मोदी योगी के साथ 15% लोग 80% कब्जा किए हुए हैं, आज जातिगत झंझना जय जी आप बोलिए, आगे प्रतिरोध तो चलता रहेगा, जनता बहुत देख के फैसला करती है, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जी, बिल्कुल अब्बास जी जी, आपकी जी सुनो की बात कर रहे हैं, आपकी सामाजिक विकास की बात कर रहा हूँ, जिस विकास में लखनऊ में मेट्रो ट्रेन, मैं उसी विकास की बात कर जिसमें लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, उसी विकास की बात कर रहा हूँ, 54 जिले अखिलेश यादव ने 4 लेन से जोड़ लिए, मैं उस विकास की बात कर रहा हूँ जिसमें 100 स्टेशन पूरे उत्तर प्रदेश में लगे, मैं उस विकास की बात कर रहा हूँ जिसमें 50 लाख महिलाओं को पेंशन दी जाती थी, विकास की बात कर रहा हूँ जब एक गर्भवती महिला फोन करती थी 15 मिनट में घर एम्बुलेंस आती थी, मैं उस विकास की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट में एम्बुलेंस आती थी, मैं उस विकास की बात कर रहा हूँ जिसमें पूरा प्रदेश, मैं विकास की बात कर रहा हूँ जिस विकास पर हिंदू मुसलमान करके, देखिए चीखने से या चिल्लाने से आपने जो काम किए हैं या बीजेपी सरकार जो काम कर रही है वो तो सबके सामने, चीखने चिल्लाने से तो कोई नया काम नहीं बन जाएगा, योगी जी ने अखिलेश यादव जी के कपड़ों का सिर फीता काटा है, सपा की सरकार क्या कर रही थी, आप किस महिला को सशक्तिकरण से बात कर रहे हैं, क्या दीक्षित जी उन्नाव में उस महिला को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य आप विश्लेषण कीजिए, अच्छा बुरा कीजिए, दीक्षित जी ब्राह्मण पे अच्छी अच्छी पार्टी है सर, और आप फिर भी बोल दीक्षित जी आप ना बोलिए, देखिए अब्बास जी क्या कमी गिनवाते रहिएगा, कुछ अच्छा हुआ है प्रदेश में उस पर भी क्या नजर जाती है समाजवादी पार्टी की, बता तो रही है इतनी देर से अनिता जी, बता तो रही है इतनी देर से, आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, अनिता जी तो गुमराह कर रही है, ये देश के गरीब गुरु पिछले को पैसा मिले, काजोल जी सुनना नहीं चाहेंगे, केवल बोलना चाहेंगे, हल्ला बोल, क्या रबड़ में क्या अगले वर्ग में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसको साइकिल बांटी जा सकती थी और लैपटॉप बांटा जा सकता था, एक वर्ग विशेष को आधार पर जनहित में तमाम कर दिए हैं,
कोई गलती नहीं की है। समय ऐसा था जब एक ही जाति विशेष और एक वर्ग विशेष के लोगों को नौकरियां मिल रही थी, तब ध्यान नहीं आया आपको ओबीसी का? वो झूठ बात है। अच्छा ओबीसी आप जानकारी दीजिए, झूठ बात दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी का नहीं बोलेंगे, ये तो प्रचार, भारतीय जनता पार्टी का गुमराही का प्रचार। देखिए भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है, यही बार 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 रटिएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जो काम किया या नहीं किया है वो छुप जाएगा या सामने आ जाएगा या ज्यादा दिख जाएगा। आप ये बताइए कि अभी इस समय क्या जातीय जनगणना की बहुत ज्यादा जरूरत है? एक समय था जब मुख्यमंत्री आवास योजना अखिलेश यादव जी ने लॉन्च की थी और वो सिर्फ एक वर्ग विशेष को दे दिया गया, तब ओबीसी आपको ध्यान नहीं आए कि उसमें भी आर्थिक मजबूर लोग हैं, उनको भी देना चाहिए? आज जब आप सत्ता से बेदाखल हो गए हैं, यही दाखिल लाइए, सब कागजों में लिख के जाती होगी, बताइए कहां हुई आगे जाने तो क्यों होगा? किसी को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, झूठ ना बोलिए, झूठ ना। दीक्षित जी आप विश्लेषक है, आपके से अच्छा नहीं लग रहा, आप प्रवक्ता नहीं भारतीय जनता पार्टी के, आप सच बात कीजिए, देखो ब्राह्मणों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, आप सच्चा सच्चा बोलिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, बहुत अत्याचार है। देखिए बहुत बहुत अत्याचार, बहुत माता प्रसाद पांडे अपने विधानसभा उन्हें गिरा के रखी, उसमें मारा था बहुत ब्राह्मणों के साथ, जहाँ ब्राह्मणों को हत्या ना हो, पीटा ना जाओ, राजनीतिक द्वेष ना, आप ना बोले अच्छा नहीं लग रहा, आप सच्ची बात करें ना। तो हम बोले, हम जवाब दे दें आपको, सुन लीजिए, आप प्रवक्ता की मजबूरी है, दीक्षित जी ना बोले कि जब एक वर्ग विशेष को, दीक्षित जी एक विश्लेषक है, वो जो सही है और जो गलत हो रहा है उसका जो ब्यौरा है वो सामने रख रहे हैं, बस वो गलत क्या बोल रहे हैं इसमें? मैं भारतीय जनता पार्टी का वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बन रहे, कोरोना काल में भाजपा ने बताया कैसे गंगा जमुना के तट से पड़ गए, कैसे नरेंद्र मोदी जी का नारा क्या सत्य में 70 लाख भारतीय जनता पार्टी ने 20 लाख आपको मालूम होगा जब आपकी सरकार थी 13 में कितनी लाशें आई थी, वही पुरानी लाशें आप दिखा रहे थे, आप ही के समय की बात है, आपको शायद मालूम नहीं है, पुरानी नहीं थी। आप सुने, सुन लीजिए, पूरा क्या आया, पूरा किसी का, सुन लीजिए, किसी का सुनिए, अरे सुनिए, कहने से वैक्सीन के गुमराह किया लोगों को, भाजपा की वैक्सीन है नहीं लगवाएंगे, फिर उनके अब्बा ने भी वैक्सीन लगाई के बोलिए, ऐसे लगा कि हाँ वैक्सीन लगाने चाहिए, समझ नहीं आ रहा है अनीता जी, आप वैक्सीन पे गुमराह किया लोगों को, कोरोना काल की वैक्सीन पे गुमराह किया आपने, कि भाई बीजेपी की वैक्सीन है मत लगवाइए, और बाद में आपको लगवानी पड़ी, सबने लगवाई, ये सब बातें अच्छी नहीं है, सेना पे कभी सवाल उठाना, कभी डॉक्टरों पे सवाल उठाना, कभी आप इस तरह के आतंकवादी लक्ष्य मुकदमे करने, कभी सवाल उठाते कभी आप सेक्शन देना, ये सब मत करिए, अरे जनगणना जब हो, जनगणना होगी जब होगी, ऐसा नहीं जनगणना होगी, जनगणना तो होगी, जनगणना कब होगी आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, जाति के आधार पर अनिता जी, आप ये कह रहे हैं कि 4 से 5 साल पहले तैयारी की जाती है, तो आपने क्यों नहीं करवाई तैयारी? ऐसे जनगणना की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसे कुछ समझ, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, जनगणना करा दीजिए, कृपा कर दिए, भारतीय जनता पार्टी जनगणना करा, विकास की बात करते हैं, आज हमारे जनगणना होगी, जवान से विकास नहीं होता, आज हमारे प्रधानमंत्री जनगणना करा दीजिए, हमने कहा ना हमारे मुख्यमंत्री बैकवर्ड, राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादातर बैकवर्ड ही होते, ऐसा नहीं है कि राजा का बच्चा राजा बनता है, नमूने ना बनाइए, नमूना पेश कीजिए, नमूने ना, अरे नमूने आप बनाते हो, हमने आप जो है गुमराह कर नमूने को, नमूने आपको इतनी क्यों जरूरत पड़ गई है जातीय जनगणना की? सवाल उठाते हैं एवीएम पे, कभी सवाल उठाते हैं, कभी जाते हमारे बच्चे,
आज भी 85% हमारी सरकार में फ्री अनाज भी लोगों को दिया जा रहा है, आपकी तरफ बेचा नहीं जा रहा, जाके अनाज फ्री नहीं दिया जाता था, अनाज को बेच दिया जाता था, बिजली नहीं दी जाती थी लोगों को, बिजली नहीं आती थी, दे रहे जाते थे, शराब पानी चाहिए आपको, केवल एक जात बराबर को आगे बढ़ाया जिससे हाईकोर्ट में केस चले, पुलिस ने एक आदमी जो स्कूटर रखता है और ब्रोच का तेल लेता है और ब्रोच में 60 रुपए टैक्स देता है, तभी कोई बोल पाएगा। ये अब आज तो सोच के बैठे हैं कि शांत होना ही नहीं है, ना चुप होना है, ना सुनना है। फिर ये ना ये अब्बास जी लेने बैठे हुए हैं, सुनने की भी क्षमता रखिए थोड़ी, जनता की बहुत, अगर अगर सत्ता में आते हैं आप पूरे ओवर कॉन्फिडेंस है, सत्ता में आते हैं तो जनता की बहुत सुननी पड़ेगी, बहुत काम करना है, सुनने की क्षमता रखिए थोड़ी। मेरी पीड़ा हम पिछले वर्ष का प्रतिरोध करते, पीड़ा हमारी आंखें नमे देख लीजिए, हम तो कमजोर है, हमें भीख बता के अनाज देता फ्री है, तेल के पैसे जनता के मौज मारे 8,000 करोड़ में, देश के प्रधानमंत्री और कोई पैसे का अनाज हमें दे दिया, तो हम फ्री में चल रही है, कोई सिनेमा नहीं चल रहा है, का अनाज नहीं है, कोई नोटेंगे नाटक नहीं चल रहा है, किसान ने डिबेट हो रही है, अडानी अंबानी का नाम था, अब बात ये बात है, हम आराम से बैठ सकते हैं और कृषि बिल लागू होते, जैसे आप बताइए बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अब बात जी तो सुनेंगे नहीं क्योंकि घर से सोच के बैठे हैं डिबेट में कि नहीं मेरे को तो एक घंटा बोलना है, मुझे नहीं सुनना अच्छी बात करूंगी, मैं तो आपसे पूछूंगी, बीजेपी से पूछूंगी। 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाता, पहली बार राजस्थान ने 68% तक की आरक्षण देने की बात करी थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार हो सकती है क्या? पहला चीज, मेरी बात सुनिएगा। अब्बास जी आपके पास आऊंगी, बहुत देर से आप बोल रहे थे, आप सुन लीजिए। मैं जो बताना चाह रहा था, 1992 के बाद सेंट्रल जॉब तो केंद्रीय सरकारी जॉब है उसमें भी सरकार ने ओबीसी को 25% आरक्षण दे दिया, अनुसूचित जाति को भी 15% आरक्षण दे दिया, अनुसूचित जनजाति को 6% आरक्षण दे दिया और मुस्लिमों को भी 4% का आरक्षण दे दिया, 50% आरक्षण पूरा हो गया। अब आप क्या चाहते हैं, 100% लोकतांत्रिक परिवेश में 100% आरक्षण दे दिया, कल के डेट में आप कहेंगे कि जातिगत आरक्षण कराओ, जातिगत जनगणना कराना और जनगणना में बहुत ज्यादा अंतर है, जनगणना देश के स्थिति को, देश की आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं को निर्धारित करती है कि किस हिसाब से विकास किया जाए, किस रेशियो से विकास किया जाए, आप जातिगत पे जाति पे क्यों आगे टिक जा रहे हैं, आप विकास की बात क्यों नहीं कर रहे, आप आर्थिक आरक्षण का क्यों नहीं पहल करते जिसमें कोई भी जाति धर्म की बात नहीं आएगी, जो भी एक आरक्षण के अधीन आएगा
उसको सरकार प्रायोरिटी देगी, उसको सरकार आरक्षण देगी। तो आप आर्थिक आधार पे जनगणना करा के और उस पर आरक्षण देने की वकालत क्यों नहीं करते हैं? आप बार बार ओबीसी, बार बार मुस्लिम, बार बार एससी, बार बार दलित पे क्यों आ जाते हैं? आप कहीं न कहीं जातिगत आरक्षण पे लाख लोगों को बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप कहिए कि आर्थिक आधार पे आरक्षण किया जाए, उसमें हिंदू भी आएगा, उसमें फॉरवर्ड भी आएगा, उसमें दलित भी आएगा, उसमें ओबीसी भी आएगा, उसमें मुस्लिम भी आएगा। आप लोग उसकी बात इसलिए नहीं करते कि आप यहाँ पे सेल्यूरशिप में की तरफ रीड करने लगेंगे। आज 50% अगर आरक्षण आप लोगों को विभिन्न वर्गों को दिया जा रहा है और उसका वो 75% से 85% आबादी उसका लाभ उठा रही है, इसमें सरकार की क्या कमी है? सरकार आज दो दो आयोग खोल के बैठी हुई है। आप लोग कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करके राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अनुरूप आप लोग सत्ता में स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं आप लोग आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज 2017 के बाद हर एक स्कीम उठा के देख लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि हर वर्ग की प्रतिनिधित्व आप देखने को मिलेगा। वहां कहीं भी किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष की बात नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों को चिंतित होने का असली कारण आप चिंतित है कि कहीं ये जाति की बात क्यों नहीं हो रही है। आप चिंतित है कि यादव वर्ग मेरे से कैसे बिछड़ रहा है। आप मुस्लिम वर्ग में भी अच्छे अल्पसंख्यक जो वर्ग में जो प्रतिबद्ध लोग हैं, जिन्हें पता हो गया कि विकास से ही उनका अस्तित्व, उनका भविष्य। अब्बास जी बोलिए। अब्बास जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं आप लोगों को नहीं सुन पा रही हूं। तो ये जो पूरा मुद्दा है वो लगातार जी जी बोलिए जी। 63 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होता। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, हमारी पार्टी बहुत सम्मान करती है, लेकिन ये भी सत्य है कि सुप्रीम कोर्ट में 95% लोग 15% वर्ग से आते हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ों के जज बन जाएंगे, ऐसा कोई आदेश नहीं आएगा। उसी बात दीक्षित जी ने कही, हाँ सच्ची बात है, हंसने की बात नहीं। जैसे विचार व्यक्ति भावना, आपने कहा कि आर्थिक आधार पर दिया जाएगा, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, पैसे वाले को आरक्षण क्यों मिले, लेकिन आरक्षण जाति के हिसाब से मिले और फिर उसका जो बाये वो उस जाति के आर्थिक आधार पर मिले। ये नहीं कि 15% लोग जो पहले कब जाए हुए उनका पटवारी सर्टिफिकेट बनाएंगे, गरीब का बनाते नहीं, पैसे वाले के बच्चे का पैसे लेके बना देगा। कौन साबित करता पड़ेगा आर्थिक आधार को? इसलिए आरक्षण तो जातियों के हिसाब से मिले, लेकिन उसका जब बटे तो उस वर्ग के, उस जाति में जो सबसे गरीब हो उसको दिया जाए, वहां आर्थिक लागू किया जाए। ये नहीं कि करोड़पति अरबपति और पटवारी ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया, तो पहले भी उन्होंने नौकरी दी, तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ जो गरीब लोग हैं उन तक आरक्षण पहुंचना चाहिए? बिल्कुल जाति के आधार पर होना चाहिए। जो गरीब वर्ग के लोग हैं जिनको चाहिए आरक्षण, उन तक आरक्षण पहुंचना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। जी, आम जनता की यही मांग है, आम जनता की यही मांग है। गरीब जब सरकार अगर जाति नहीं जुड़ेगी तो 15% गरीबी ले जाएगी। आरक्षण दी, 15% आरक्षण कर दिया ना, एक तरफ देश आधुनिक हो रहा है, आप जातिवाद में अटके अभी। अरे आधुनिक 15% लोगों से आधुनिक हो जाएगा? एक पट्टी में बंद कचक मिलना की नसीब बेटियां, इसे आप आधुनिक बात कहते हैं? कुत्ते ने चाटते हो स्टेशन पर, चेक पोस्ट में गरीब का बच्चा चाटे, इसे आधुनिक भारत कहते हैं? चंद कोठिया, चंद महल और विश्व नेतृत्व हो जाए। अभी भी देखिए, आपके चैनल दिखाते हैं
गांव में खेत में खलिया में गरीबों की मलिन की बस्ती में जाके देखिए वो आपको अंगूठे खड़े हो जाएंगे। तो बोलो सुधाओ पे बात कीजिए ना, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन चर्चा से कुछ ऐसा निकल कर सामने नहीं आया कुछ जनता कुछ समझ सके या जनता को ये पता चल सके कि वाकई आखिर इसकी मांग क्यों हो रही है और क्यों होनी चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए पूरी तरह से हुंकार भर दी है और अब जो मुद्दा है वो जातीय जनगणना को लेकर है। लेकिन ये मुद्दा कितना ज्यादा सफल साबित होगा 2022 में सपा के लिए ये देखना होगा। फिलहाल के इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।